हम अयोध्या के हैं, अयोध्या धार्मिक स्थल है और सभी देवी देवताओं का सम्मान है। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको एक सलाह देते हैं कि धार्मिक और जात की लड़ाई नहीं होना चाहिए, आपस में जो है अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर तरक्की देश की लोग चाहते हैं तो जो है लोग जो है इस तरीके से ऐसा काम करें कि हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द बना रहे, यही देश की तरक्की, हम यही चाहते हैं। हम हर हर मजहब का, हर धर्म का, हर देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। आपने देखा कई विवाद जैसी बातें आई, जैसे कि कई पार्टियां शामिल नहीं हो रही, इसमें कांग्रेस का भी जिक्र था। वो अलग अलग तरह के बातें कर रहे थे कि अभी तो अधूरा है मंदिर, और जैसे कि वो और भी तरह की बातें कर रहे थे कि शंकराचार्य नाराज हैं। तो क्या आपका इस पर कहना है? देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि आज राम मंदिर का जो है बन रहा है, और तरह तरह के लोग, तरह तरह के जो है पार्टियां हैं, राजनीति भी हो रही है, लोग अपने अपने बयान लोग दे रहे हैं। हम तो लोगों को एक सलाह देते हैं कि धर्म की राजनीति और जात की राजनीति लोग ना करें। श्रद्धा सबकी होनी चाहिए, धर्म सबका जो है अच्छा है, अपने अपने धर्म और नियम से लोग पालन करें, कोई किसी का विरोध ना करे। जी, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो ऐसे में इस स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे अगर वो ये कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला है? भाई, अब हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं, हमारा कोई जो है क्योंकि वो भी धार्मिक है, ऐसा नहीं है, हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि जहां न्योता बट रहा है, अगर न्योता मिला होता तो जरूरत है। जी, आपको लगता है कि अगर न्योता मिलेगा तो वो आएंगे? ऐसा देखिए, हर जो है अच्छे लोग जितने भी हैं, सबकी जो है आस्था धर्म से जुड़ी हुई है, धर्म की आस्था सबकी जुड़ी हुई है, हर आदमी अपने नियम धर्म का पक्का है। अगर लोगों को न्योता मिलेगा तो लोग आवेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कल आप जो प्रारूप लेकर गए थे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कल कहाँ आपने वो सौंपा था, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, हमने अपने गनर को दिया है। अच्छा। क्योंकि हमारे गनर जो लगे हुए हैं, हमारी श्रद्धा रही, उनकी वो मांग रही कि अयोध्या में जो है, अयोध्या में ये सब चीजें जो है उपलब्ध है, हमको भी चाहिए। हमने